समाज टीवी में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। चेन्नई में बारिश से हालात ज्यादा खराब हो गए हैं। एनडीआरएफ की 10 टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। वहीं बारिश के कारण चेन्नई जाने वाली उड़ानों को हैदराबाद बैंगलोर डाइवर्ट कर दिया गया है। चेन्नई में कई जगह बिजली की सेवाएं बंद कर दी गई हैं। चेन्नई एयरपोर्ट पर करीब 700 यात्री फंसे हैं। रनवे पर पानी भरने से उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं। आपको बता दें कि अब तक बारिश से 188 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रॉब्लम एट चेन्नई राइट नाउ बिकॉज द सिटी ऑफ चेन्नई इज फुल ऑफ वाटर अनप्रेसिडेंटेड रेन्स द फोरकास्ट कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 3 डेज ऑल्सो इन द रनवे इज अंडर वाटर सो वी हैव टू कॉल बैक अ फ्लाइट टुडे राइट विथ लेफ्ट दिल्ली दैट हैड टू बी कॉल्ड बैक एंड वी आर येट टू डिसाइड व्हाट इज टू बी डन बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द वेदर वेदर वी रन मोर फ्लाइट टू एडजॉइनिंग सिटी लाइक हैदराबाद बैंगलोर विजयवाड़ा And as soon as the weather clears, we plan to run bigger aircraft to Chennai to clear the pending large amount of rush which would have accumulated there, the demand which would have accumulated. चेन्नई में पिछले 24 घंटे से काफी बारिश हो रही है और उस बारिश की वजह से काफी जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। एनडीआरएफ की 10 टीमें वहां लगी हुई हैं और वो प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर चेन्नई शहर में और आसपास के इलाकों में लगी हुई है और राहत का कार्य कर रही है। उसके पास बोट्स हैं, लाइफ जैकेट्स हैं, डाइवर्स हैं जो कि स्विम करके और जो तैर करके लोगों को बचा सकते हैं और हम लोग राज्य सरकार के निर्देशन पर काम कर रहे हैं। अभी 5 टीमें हमारी और भी आ रही हैं जो आंध्र प्रदेश और बैंगलोर से हैं, वो कुछ घंटों में पहुंच जाएंगी वहां पे। और हम लोगों ने ये भी प्लान किया है कि गंभीरता को देखते हुए उड़ीसा से और पटना से करीब 15 टीमें और भेजेंगे जिनके साथ पर्याप्त मात्रा में बूटे होंगी, नावें होंगी। सबसे बड़ी दिक्कत अभी हमें जो हो रहा है वो वहाँ पे वाटर लॉगिंग का, क्योंकि पानी भर गया और हमारी टीमें जो उड़ीसा और पटना से जाने वाली हैं उन सबों को हम हेलीकॉप्टर से ले जाने के लिए सोच रहे थे लेकिन अभी भी एयरपोर्ट पे रनवे पे 2 फीट का पानी जमा हुआ है और वो 6:30 बजे तक हमें पता चला था कि 6:30 बजे सुबह तक वो हमें क्लियरेंस देंगे लेकिन अब वो क्लियरेंस जो है बढ़कर 11:30 बज गया है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने हत्यारों की रिहाई करने से साफ इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारों को सजा माफ करने का अधिकार नहीं। कोर्ट ने कहा कि रिहाई का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास ही है। पंजाब कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बुधवार को अमृतसर स्थित श्री दरबार साहिब में माथा टेकने पहुंचे। इस दौरान अंबिका सोनी व अन्य कांग्रेसी नेता भी उनके साथ मौजूद थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कैप्टन ने अकालियों पर भड़ास निकालते हुए कहा कि 2017 विधानसभा चुनाव में अकाली दल बुरी तरह हारेगा। कैप्टन ने कहा कि अकाली नौकरियों का लालच दे रहे हैं जबकि अभी तक कर्मचारियों को 7 माह से वेतन नहीं मिला तो नौकरियां कौन देगा। अम्बाला के आई कैंप में मोतिया के ऑपरेशन के बाद आंखों की रोशनी गंवा चुके 14 मरीजों की आंखों की रोशनी लौट आई है तो एक बड़ा चमत्कार साबित हुआ। बताया जा रहा है कि एक महिला की आंख की पुतली गली हुई मिलने के बाद पुतली को कॉर्निया ग्राफ्टिंग में बदल दिया गया परंतु आंख में आए इन्फेक्शन को फिलहाल कंट्रोल नहीं किया जा सका। पीजीआई के एडवांस आई सेंटर में 11 मरीजों की आंखों की सर्जरी कर दी गई है जबकि अन्य 3 की आंखें एंटीबायोटिक से दुरुस्त की जाएंगी। पाकिस्तान के पेशावर स्कूल हमले में आरोपी 4 आतंकियों को आज फांसी की सजा सुनाई गई। बता दें कि पेशावर के सैनिक स्कूल में हुए तालिबान के हमले में 132 बच्चों समेत 140 से ज्यादा लोग मारे गए।